बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हफीजा कवर, बलोचिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले मशरक हेडलाइन। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीरजाम कमाल खान का सख्त बरहमी का इजहार, सेक्रेटरी SNGAD से वजाहत तलब कर ली है। सूबाई वज़ीर दाखला मीरजाला लांगो और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान मथर न्याज राना की ज़ेर सदारत सुबह भर में अमन अमान की मजमुई सूरत हाल से मुतालिक आला सतह इजलास मुनक़िद हुआ। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर रुबाबा खान बुलेदी ने कहा है कि बलोचिस्तान में सेहत की मयारी सहूलियात की फराहमी और इंतजामी अमूर को सहल बनाने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को दो इंतजामी महकमों में तकसीम कर दिया गया है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल फतेह भंगर ने हिदायत की है कि ट्रांसपोर्टर्स अपनी कोचेज में जल्द अज जल्द ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। पार्लिमानी सेक्रेटरी बरए इतलात मोहतरमा बुशारिन की तलकीन है कि कोरोना का खतरा ताहाल मौजूद है, लिहाजा एहतियाती तदाबीर को किसी सूरत नज़रअंदाज ना करें। सूबाई वजीर खजाना मीर जहूर अहमद बुलेदी ने कहा है कि बड़ी काविशों के बाद हुकूमत ने इंफॉर्मेशन एक्ट मंजूर करा लिया है। बलोचिस्तान हाउस इस्लामाबाद की जानिब से वाजिबुल अदा बिलों की अदम अदायगी पर मुख्तलिफ अराकीन को हुक्म, साबका और मौजूदा वाजिबुल अदा बिलों की अदायगी को यकीनी बनाएं। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट और माहौलियात मिठा खान काकर ने जोब शहर को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा देने की मंजूरी पर वजीर आला बलोचिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। महकमा सोशल वेलफेयर और UNDP के जरिए तमाम ह्यूमन राइट्स कमीशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम से मुतलिक इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। मुकर्ररीन ने कहा कि महकमा मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है। क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने अल्तमास किया है कि जिन अजला में ज़रई सार्फिन को 6 घंटे से कम बिजली मिलने की शिकायत हैं वो हमें आगाह करें, उनकी शिकायत का अजाला किया जाएगा। मकरान भर में 3G, 4G, 2G मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल, अवाम में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीरजाम कमाल खान ने महकमा SNGAD की कारकर्दगी से मुतलिक बलोचिस्तान हाई कोर्ट के रिमार्क्स पर सेक्रेटरी SNGAD बिलाल जमाली से वजाहत तलब कर ली है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने इस अमर पर सख्त बरहमी का इजहार किया है कि अदालत आलिया के हुक्म के बावजूद महकमा SNGAD अपना काम नहीं कर रहा। वज़ीर आला ने हिदायत की है कि सरकारी वाजिबात की वसूली हुकूमत का काम है और इस पर काम खुद करना चाहिए। इस मसले के हल के लिए अदालत जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सूबाई वज़ीर दाखला मीरजाला लांगो और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान मथर न्याज राना की ज़ेर सदारत मुनक़िदा आला सतह इजलास में खुज़दार में हिंदू ताजर के कत्ल और क्वेटा समेत सूबे भर में अमन अमान की मजमू सूरत हाल और बेहतरी के लिए मुतालिका अदारों की जानिब से जारी और मुजवजा इकदाम के साथ साथ सूबाई वज़ीर दाखला मीरजाला लांगो और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान मथर न्याज राना की ज़ेर सदारत मुनक़िदा आला सतह इजलास में खुज़दार में हिंदू ताजर के कत्ल और क्वेटा समेत सुबह भर में अमन अमान की मजमू सूरत हाल और बेहतरी के लिए मुतालिका अदारों की जानिब से जारी और मुजवजा इकदाम के साथ साथ सूबे में सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाने से मुतलिक उमूर का जायजा लिया गया है। इजलास में सूबे में सिक्योरिटी के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं और सिक्योरिटी अदारों को इन फैसलों पर फौरी अमल दरामद करने की ये हिदायत की गई है। कानून नाफिज करने वाले अदारों की जानिब से इजलास को अमन अमान की मजमू सूरत हाल और इकदाम से मुतलिक ब्रीफिंग दी गई है। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर रुबाबा खान बुलेदी ने कहा है कि बलोचिस्तान में सेहत की मयारी सहूलियात की फराहमी और इंतजामी अमूर को सहल बनाने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को दो इंतजामी महकमों में तकसीम कर दिया गया है। इंतजामी जिम्मेदारियों की तकसीम वाज़ेह तायुन से महकमा सेहत बेहतर तौर पर सर्विस डिलीवरी कर सकेगा। इन ख्याल का इजहार उन्होंने सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट अजीज़ अहमद जमाली से गुफ्तगू करते हुए किया, जिन्होंने जुमेरात के रोज़ अपनी नई जिम्मेदारियों का चार्ज संभालने के बाद उनसे मुलाकात की। डॉक्टर रुबाबा खान बुलेदी ने अंदरून बलोचिस्तान सेहत के शोबे में PPHI के प्लेटफॉर्म से नुमाया खिदमात की अंजाम दही पर अजीज़ अहमद जमाली की कारकर्दगी को सराहते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है कि वो ग्रास रूट लेवल पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को फाल बनाकर आवाम को सरकारी सतह पर सेहत की मयारी सहूलियात की फराहमी के लिए भी हसब साबिक अपना अहम किरदार अदा करेंगे। सूबाई सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल फतेह भंगर ने कहा है कि कौमी शाहराहों पर हादसात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ रूट पर चलने वाली तमाम कोचेज के मालकान ट्रैकिंग सिस्टम फौरी तौर पर बहाल करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने PTA बलोचिस्तान के दफ्तर के दौरे के मौके पर किया। इस मौके पर सेक्रेटरी PTA, सेक्रेटरी RTA और जनरल मैनेजर क्रिसेंट ट्रैकिंग यासिर खान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि क्वेटा कराची रूट पर गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से कौमी शाहराहों पर हादसात में वाज़ह कमी वाकई हुई है।
पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलाआत मोहतरमा बशारीन ने कहा है कि तालीमी सिलसिले का बार बार मुनक़ता होने पर हमें भी दुख है, मगर इंसानी सेहत और ज़िंदगी हमेशा अव्वलीन तरजीह होती है। तालीमी इदारों के खुल जाने का मतलब भी हरगिज़ नहीं है कि कोरोना वबा का ख़तरा 100% टल गया है। माशरे के तमाम बाशऊर अफराद, वालदैन और असातिज़ा कराम इस ज़मन में एहतियाती तदाबीर को किसी सूरत नज़रअंदाज ना करें। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा का ख़तरा ताहाल मौजूद है। इस हवाले से हमारी किसी भी किस्म की लापरवाही और गफलत किसी बड़ी तबाही का पेश खेमा साबित हो सकता है। सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर ज़हूर अहमद बुलेदी ने कहा है कि बड़ी काविशों के बाद हुकूमत बलोचिस्तान ने इंफॉर्मेशन एक्ट मंजूर करा लिया है, ताहम अब इसे लागू करने की ज़रूरत है, जिसके लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। मैं दो मरतबा अपने हलके से मुंतखब हुआ हूँ। मेरे हलके के अवाम को यह हक हासिल है कि उन्हें मेरे किए गए कामों के बारे में आगाही हासिल हो। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने क्वेटा प्रेस क्लब में सालार फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम यूरोपीय यूनियन के प्रोजेक्ट तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के लिए जमहूरी मकामी तर्ज हुक्मरानी और सहाफ़ियों को मालूमात तक रसाई के उनवान से मुनक़दा वर्कशॉप के शुरका से खिताब करते हुए किया। वर्कशॉप से CPDI के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर खालिद हुसैन, मोहम्मद आसिफ और दीगर ने भी खिताब किया है। सूबाई वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इत्तला तक रसाई हर शहरी का हक है, लेकिन ये इत्तला ऐसी ना हो कि माशरे में फसाद फैलने का खदशा हो। महकमा मुलाजमत हाय अमूमी नज़्म व नस्क़ हुकूमत बलोचिस्तान के एक जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट की हिदायत के तहत बलोचिस्तान हाउस इस्लामाबाद ने गुज़िश्ता बरसों के वाजिब अदा बिलों की अदम अदायगी पर मुख्तलिफ अराकीन सूबाई असम्बली, साबका अराकीन असम्बली, वज़ीर आला के कोऑर्डिनेटर्स, सैनेटर्स, साबका सैनेटर्स, मेम्बरान कौमी असम्बली, वज़रा ममलिकत, साबका अराकीन कौमी असम्बली, साबका वज़रा अफसरान और मेहमान को सख्ती से हिदायत की गई है कि वो बलोचिस्तान हाउस इस्लामाबाद के आपका और मौजूदा वाजिबुल अदा बिदों की अदायगी को यकीनी बनाएं। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट और माहौलियात मीठा खान काकड़ ने कहा है कि जोब डिवीजन को लोरालाई से अलग करके एक नए डिवीजन का क्याम और जोब शहर को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा देने की मंजूरी अवाम से किया गया एक और वादे की तकमील है, जो कि जोब के अवाम का एक दरीना मुतालबा था, जिस पर मैं वजीर आला बलोचिस्तान, उनकी काबीना के अराकीन और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान का बेहद मशकूर हूँ। महकमा सोशल वेलफेयर और UNDP के ज़ेर एहतमाम वुमेन राइट्स कमीशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम से मुतलिक इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। वर्कशॉप में सूबे के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि महकमा मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है। हमारी भरपूर कोशिश है कि लोगों को उनके हकूक बर वक्त मिलें। उन्होंने कहा कि माशरे के हर फर्द को बर वक्त हकूक मिलेंगे तो उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के वर्कशॉप के मुनक़द होने से माशरे के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी KSQ के चीफ इंजीनियर मोहम्मद आरिफ ने कहा है कि वो सूबे भर में ज़रई सार्फिन को 6 से 8 घंटे जबकि कमर्शल सार्फिन को 24 घंटे बिजली फराहमी के लिए कोशा हैं। जिन अजला और इलाकों में ज़रई सार्फिन को 6 घंटे से कम बिजली मिलने की शिकायत हैं, वो हमें आगाह करें, उन सार्फिन की शिकायत का अजाला किया जाएगा। 9 नए फीडर्स पर काम जारी है, जिसके बाद वोल्टेज की कमी, ओवर ट्रिपिंग के मसाइल में कमी आएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने दफ्तर में ऐवान सनत और तजारत क्वेटा बलोचिस्तान के नायब सदर हाजी अख्तर काकड़ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कायमा कमेटी बराए बिजली के चेयरमैन ईसा खान खरोटी की सरबराही में मिलने वाले वफद से बातचीत करते हुए किया। बलोचिस्तान के दीगर अजला की तरह 5 साल बाद मकरान भर में 3G, 4G, 2G मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल, अवाम में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। एक बार फिर तलबा तालबात और कारोबारी हजरात ऑनलाइन एजुकेशन और कारोबारी मौके से फ़ायदा उठा सकेंगे। स्टूडेंट्स और कारोबारी हजरात ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों बाद इंटरनेट का बहाल होना एक खुशाइन इकदाम है। इंटरनेट की बंदिश से गुज़िश्ता 5 साल कारोबार और एजुकेशन तबाही की दहाने पर। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mashreq.com.pk।